हेलो एवरीवन, मैं हूं जेसन रवि, सत्य और सिनेमा की आवाज और समरी ऑफ सिनेमा में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कुत्ते एक ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है जिसका डायरेक्शन किया है ओमकारा, मकबूल और हैदर जैसी मास्टरपीसेस के निर्देशक विशाल भारद्वाज के बेटे आसमान भारद्वाज ने। फिल्म को प्रोड्यूस किया है लव रंजन, अंकुर गर्ग, विशाल भारद्वाज और उनकी धर्मपत्नी एंड सिंगर रेखा भारद्वाज ने। रिव्यू से पहले क्विकली फिल्म का प्लॉट। अर्जुन कपूर यानी कि गोपाल और पाजी यानी कि कुमुद मिश्रा दोनों सस्पेंड पुलिस ऑफिसर हैं। दोनों को अपनी जॉब बचाने के लिए 1-1 करोड़ रुपया तब्बू, जो उनकी सुपीरियर है, उनको देना है। लवली यानी राधिका मदान ड्रग लॉर्ड खोपरे की बेटी है जो उसके गार्ड यानी शार्दुल भारद्वाज से प्यार करती है और उसके साथ कनाडा भाग जाना चाहती है। उसके लिए भी बहुत सारे पैसों की जरूरत है। क्या होता है जब ये सब कैरेक्टर्स एक पैसे से भरी वैन को लूटने का प्लान एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, ये देखने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी थिएटर्स में। तो पहले बता दें कि ये पिक्चर तोड़फोड़ है। पिता पुत्र यानी विशाल और आसमान भारद्वाज के द्वारा लिखा गया हुआ स्क्रीन प्ले एकदम थ्रिलिंग है और एंड तक हमको होल्ड करके रखता है। शुरुआत में कोंकणा सेन को छुड़ाने के लिए नक्सली अटैक देखकर ही हम स्टोरी में एकदम हुक हो जाते हैं। उसके बाद की स्टोरी टाइटली वोवन जाल के जैसी है और गहरी होती चली जाती है। फिल्म में हम काफी फंकी कैमरा शॉट्स यूज होते हुए देखेंगे कुमुद मिश्रा और अर्जुन कपूर के कैरेक्टर्स के साथ, जिससे काफी इंटरेस्टिंग तरीके से मूवी दिखती है। सिनेमेटोग्राफर फरहाद धलवी ने कैप्चर की हुई स्ट्राइकिंग इमेजेस, ए श्रीकर प्रसाद की क्रिस्प एडिटिंग और विशाल भारद्वाज का अमेजिंग बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही अच्छे सिनर्जी में काम करता है और उसे देखने का एक्सपीरियंस लाजवाब है। सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल है, स्पेशली तब्बू और कुमुद मिश्रा का परफॉर्मेंस फिल्म की हाईलाइट है। गुलजार साहब के लिरिक्स और विशाल भारद्वाज का म्यूजिक हमेशा एक यादगार कॉम्बो रहा है और हमको कभी निराश नहीं करता और इस बार भी नहीं करेगा। इस बार भी ये जोड़ी हमें टाइटल ट्रैक कुत्ते, आजादी, सोंधी है खून की खुशबू, वाट लागली, आइकॉनिक गाने देते हैं, जिससे काफी अच्छे तरीके से यूज किया गया है फिल्म में स्लो मोशंस वगैरह के साथ। ओवरऑल फिल्म से आप काफी ढेर सारा एक्शन, कॉमेडी, ट्विस्ट एंड टर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ निट पिकिंग करना चाहें तो वो होगा नसीरुद्दीन शाह को मिला हुआ स्क्रीन टाइम, जो कि काफी कम था। मूवी का एंडिंग बहुत ही अमेजिंग है, आपको कमीने की एंडिंग की याद दिला देगा। फिल्म बहुत ही अच्छी है, तोड़फोड़ मचा देगी। इट इज अ मस्ट वॉच गाइज। सो वेल फ्रेंड्स, ये था कुत्ते फिल्म का रिव्यू आपके लिए। कैसा लगा ये कमेंट्स में बताना और अगर लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल दबाई है तो गॉड ब्लेस यू, और अगर नहीं दबाई है तो प्लीज दबा दीजिए और हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट कीजिए। इस रिव्यू को अपने कुत्ते कमीने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिलहाल के लिए मैं जेसन रवि विदा लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया और जय हिंद।